दोस्तों बुढ़ा था, बहुत एटीट्यूड में बात कर रहा था, क्योंकि 13-14 पर चल ही रहा है, लेकिन इसने बहुत एटीट्यूड में बात किया है। बोल रहा है 16 में पेड़ है, और मैं उसका बोला था चलो दुनिया 14 में पेड़ रहा है तो मैं 15 में आपको दोनी कर देंगे, वही मतलब गलत नहीं मत समझिए, पेड़ देंगे। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबको फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आप सबके नया बारिश की हार्दिक शुभकामनाएं, हिंदू वाला यानी कि विक्रम संबंध अपना वाला समझिए वही है। और आज से 2 दिन के बाद एक गत्ते हो जाएगा नेपाल में। तो दोस्तों मैं अभी नेपाल से हूँ और मैं नेपाल से ब्लॉग बना रहा हूँ। सो आज हमारे घर में देखिए क्या क्या है, रोटी बन रही है, सुबह का 8 बज चुके हैं, और मेरी बेटी वहाँ पर मोबाइल देख के गाना गा रही है, राम आ रही है, राम आ रही है। सो देखिए इधर बना। सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बाहर, चलो आपको हम दिखाएंगे। दोस्तों ट्रैक्टर लेके आ गया थ्रेसर जोड़ के दोनी करने के लिए। सो आधा गेहूं का दोनी किया, और आधा गेहूं करने के बाद छुरा खराब हो गया। इसके बाद छुरा जितना बंदा लोगे छुरा चेंज कर रहा है थ्रेसर का। सो देख रहे हैं दोस्तों, और इतने गेहूं थोड़ा सा 4-5 बोझा रह गया छुरा खराब होने के कारण से। चलो इतना सारे दोनी कर लिया, देखो भूसा है कितना, और इतना गेहूँ रख दिया है। देखो भाभी जी है यार, उस वीडियो आ गया। दोस्तों धोनी हो चुका है और देखिए कितना सारे भूसा है। सो देख रही है, और यहाँ पर ट्रैक्टर पर लोड हो चुका है थ्रेसर पे गेहूँ। आप गेहूँ लेके जा रहे हैं घर। सो दोस्तों चलो आप जल्द मिलते हैं घर पे। दोस्तों हम आ गए मौसी घर में। ये मौसी का घर है। सो देखिए सब भाभी मौसी सब है बैठे हुए हैं घर में। सो देख रहे हैं दोस्तों। लेके आ गया है धोनी करने की दूसरा जगह। सो देखिए दोस्तों यहाँ पर सारे स्टाफ लोग हैं, सो बोलिए हाय, बोलो हाय। ये दोस्तों यहाँ पर गेहूँ निकल रहा है, गेहूँ, और गेहूँ कैसे क्वालिटी में। सो देखिए थोड़ा थोड़ा ये सूखा नहीं है, इसके लिए ऐसा आ गया है। सो देख रहे हैं दोस्तों, और देखिए पूरा आ रही है पूरा, और ट्रैक्टर चल रहा है तरह से। देखिए मेरा भाई का ट्रैक्टर है, मेरा ट्रैक्टर नहीं, मौसी लड़का ट्रैक्टर है। सो देखिए अभी मैं ही गार्डिंग कर रहा हूँ। सो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों हम ट्रैक्टर छोड़ के हम आगे यहाँ पर दूसरा जगह जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर गेहूँ में बहुत सारे कोई गेहूँ वाले से पूछने के लिए, क्योंकि हमारे थ्रेसर से वो सब धोनी कराएगा कि नहीं कराएगा वही पूछने, अगर करा लिया तो अच्छा है, इसीलिए हम जा रहे हैं। सो देखिए उधर बहुत सारे बोझा बांध के रखे गेहूँ का। सो देख रहे हैं इतना बड़ा गेहूँ का बोझा है, वही बोझा वही हम जा रहे हैं बात करने के लिए। अगर बात हो गया उससे तो अच्छा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया, थोड़ा बहुत गेहूँ हो जाएगा मेरे भाई का। इसलिए ये ट्रैक्टर है जो मेरा नहीं है, मेरे भाई का है, मौसी बेटा का ट्रैक्टर है। अभी वो शादी विवाह का चक्कर में अभी फंसा है, क्योंकि भतीजी का शादी है, और उसी भतीजी के शादी के लिए वो मार्केट गया है, और मैं यही शादी में वो 5-7 दिन से लगा है, क्योंकि 6 घंटे से शादी है, वो मार्केटिंग करना है, बहुत सारा शादी हो शादी में काम होती है वही काम के लिए। चलो हम बात कर लेते हैं, अगर वो गेहूँ पेराएगा तो सही है, नहीं तो नहीं पेराएगा तो दूसरा जगह देखेंगे। सो अभी हम चल रहे हैं दोस्तों वहाँ पर बात करने के लिए, और हम आगे देखो कितना गेहूँ है, और बोझा ढो ही रहा है। सो देख रहे हैं सारे जन लोग है ढो रहा है, देखिए कितना गेहूँ, अगर इतना गेहूँ पेरेंगे तो 4-5 घंटा लगेगा, 4 घंटा बहुत है यार। चलो बात कर लेते हैं। दोस्तों बुढ़ा था, बहुत एटीट्यूड में बात कर रहा था, क्योंकि 13-14 पर चल ही रहा है, लेकिन इसने बहुत एटीट्यूड में बात किया है। बोल रहा है 16 में पेड़ है, और मैं उसका बोला था चलो दुनिया 14 में पेड़ रहा है तो मैं 15 में आपको दोनी कर देंगे, वही मतलब गलत नहीं मत समझिए, पेड़ देंगे। तो लेकिन उसने बोला क्या, मेरे 16 में पेरेगा वो,
16 में रहेगा तो मैं क्या उसका 17 में फिरूँगा। अब यार कितना से तेल पूरा कर सकेंगे, इतना घट्टा लगेगा सो हम बता नहीं सकते, इसलिए छोड़ दो उसका धोनी नहीं करेगा, जिससे कराना है वो कराए। चलो हम देखेंगे आके कौन मिल जाता है, तो नया कस्टमर से बात करेंगे धोनी कराने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हम पश्चिम वाले खेत छोड़ के आगे पुरवारी वाले खेत में, और ये गांव से पूर्व में स्थित ये खेत है दोस्तों। और यहां पर देखिए हॉस्पिटल है, सो देख रहे हैं ये चंदर हॉस्पिटल है और ये नेपाल में स्थित है। और इस हॉस्पिटल का जो खर्च है बनाने का आधा इंडिया गवर्नमेंट ने दिया है, सो आपको पहले पिछले वीडियो में भी बताया था। देखिए एक बंदा जो है मिला है जो धोनी कराएगा, और तो कहीं ट्रैक्टर पे कहीं मोटरसाइकिल। आप भी सोचते होंगे यार कैसा जिंदगी यार, कितना कचरा जिंदगी, इधर खेत उधर खेत 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 घूम घूम के यार कर रहे, कभी मोटरसाइकिल से कभी ट्रैक्टर से जा रहे खटखटाते हुए, सो आपको पता ही है। चलो दोस्तों अभी धोनी कर लेते हैं, बंदा लोग पूरा भीड़ जाएंगे धोनी कर देंगे। अब शाम होने वाला हो गया क्योंकि मौसम भी देखिए अब मेघ लगने वाला जैसा लग रहा है, लेकिन मौसम थोड़ा सा ख़राब जैसे लग रहा है, लेकिन अभी का मौसम तो थोड़ा ठीक ही है, लेकिन क्या हो सकता है। एक ट्रैक्टर उधर है जो धोनी कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, धुआं धुआं सा लग रहा है। एक ट्रैक्टर देख रहे हैं उधर है, और एक ट्रैक्टर उधर लेके घुमाने चला गया, उधर से घुमा के नीचे एक ये ट्रैक्टर है, यही घुमा के नीचे से लेके आएगा वहाँ पर, जो देखिए गेहूँ रखा है ये गेहूँ फेरेंगे। तो हम आ गए खेत में, सो देखिए खेत में पूरा बोझा सोझा बांध रहे हैं, क्योंकि बोझा भी नहीं बांधा है, और हमारे बंदा लोग पूरा बोझा बांध रहे हैं, क्योंकि वही बोझा बांध बांध के रख देंगे, क्योंकि मौसम भी ख़राब होने वाला है। और जिसका धोनी कराना है थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, और हेल्प करने के बाद धोनी कर देते हैं। सो दोस्तों हमारा भाई उधर आके ट्रैक्टर खोल दिए हैं, कोई छुरा छुरा चेक कर रहा है, इसे करने के बाद वो देखेंगे क्या क्या धार है कि नहीं है छुरा में। तो मौसम ख़राब होने के कारण हम लोग यहाँ पर थ्रेसर बंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए पूरा पानी लगा हुआ है, बेल्ट भी पिछड़ रहा है पानी की वजह से, और जाम भी हो गया फैन। देखिए कर रहा है लोंडा लोग, ये लड़का लोग कर रहा है, देखिए लोंडा नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। चलो देखो पूरा फैन फंस चुका है, और गेहूँ भी भीग चुके हैं, इसीलिए हम लोग अब यहीं पर विश्राम करते हैं। इसका आज के लिए इतना ही, हम लोग जा रहे हैं घर पे। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, उससे कुछ बोल दो यार, सादा भाई है।